ये सामान्य तरीके से जो आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपके पास जो है ये पीडीएफ पहले से उपलब्ध है, लेकिन हम आगे की बात करेंगे कि इस आवेदन पत्र को भरना कैसे है और किस तरह से भरे ताकि आपकी कोई जो है वो त्रुटि यहाँ पर नहीं रहे। देखिए एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टल ऑर्डर की। तो 100 रुपये का आपको जो पोस्टल ऑर्डर है वो आपको लेना है और उसके बाद आपको इस सेट के साथ क्या करना है, अटैच करना है। 100 रुपये का पोस्टल कार्ड होगा, इस तरह का पोस्टल कार्ड होगा जिसमें ये वाली जो कटिंग है ये आपके पास रहेगी और ये वाली जो है वहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन देखिए अब देखते हैं हम, अब ये है कार्यालय प्रविष्टि। यहाँ पर जो है आवेदन प्राप्ति की तिथि और प्राप्ति की क्रमांक, जहाँ भी कार्यालय प्रविष्टि लिखा हुआ है वहाँ पर कार्यालय द्वारा जो है स्वयं प्रविष्टि कर दी जाएगी। अब देखिए विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र, ये देखिए आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाएगा। इसकी आपको 2 सेट बनाने हैं, ये मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, 2 सेट बनाने हैं और दोनों आपको ओरिजिनल बनने हैं, किसी की भी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर नहीं करवानी। यहाँ पर आपका नवीनतम फोटो जिस पर हस्ताक्षर होगा वो आपको फोटो लगाना है। फोटो आपको एक जगह और लगाना है वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। कम से कम 8 या 9 पेज आपको भरने हैं, वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर जो है आपके रोल नंबर, आपको यहाँ पर रोल नंबर कौन से भरने हैं, जो आपने थर्ड ग्रेड के लिए आवेदन किया था कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाइट पर, वहाँ का जो रोल नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड में था थर्ड ग्रेड परीक्षा का, वो आपको भरना है। उसके अलावा आवेदन प्रपत्र में जो आपके ऑनलाइन आवेदन संख्या जो है वो आपको भरनी है। मेरिट क्रमांक ये केवल अंतिम परिणाम हेतु, ये आपको नहीं भरना है, ये आपकी जमा होगी, उसके बाद आगे से जो आपको मेरिट अलॉट होगी उस टाइम आपको भरना है। अभी आपको जो यहाँ पर खाली रखना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, आप नील वगैरह भी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखें। पोस्टल कार्ड नंबर देखिए, ये यहाँ पर पोस्टल जो कार्ड होगा उसके यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ पर जो है एंट्री करनी है। उसके अलावा विज्ञापन संख्या, जो थर्ड ग्रेड की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वहाँ उसकी जो है विज्ञापन संख्या वो यहाँ पर आपको लिखनी है। पद कोड या क्रम संख्या ये भी आपको खाली छोड़ना है। उसके अलावा पद का नाम, पद के नाम में आपको देखिए अध्यापक ग्रेड थर्ड यहाँ पर भरना है। उसके अलावा विभाग का नाम शिक्षा विभाग भर देना, अगर आपको ये कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग भरे तो आप यहाँ पर थोड़ी जगह जो है यहाँ पर खाली रखें ताकि यहाँ पर आप आसानी से लिख सकें। अब आरक्षित वर्ग के बारे में बात करते हैं। अगर कोई सामान्य से है तो सामान्य से टिक करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, इसके अलावा जो भी कैटेगरी आपकी है वहाँ पर आप जो है टिक कर दें, बाकी को आप खाली छोड़ दें। मूल निवास व जन्म स्थान, यहाँ पर ज़्यादातर मूल निवास और जन्म स्थान जो है दोनों सेम है, इस वजह से आप ये देखिए आपका राज्य जो भी है, जिला और आपकी तहसील, उसके अलावा अन्य टिप्पणी आपको जो है कुछ नहीं करनी है और उसके नीचे जो है आपको डैश डैश कर दें अगर आपका सेम है तो। इसके अतिरिक्त अगर कोई महिला है वो अगर अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको लिखना, लेकिन यहाँ पर आपको राइट टिक नहीं करनी है, यहाँ पर आपको लिखना है ओनली हाँ। यहाँ पर जैसे कि कोई महिला है और वो विवाहित है तो ये लिख दें हाँ, और बाकी सभी कॉलम में आपको क्या करना है, ये देखिए शेष सभी कॉलम में आपको जो है वो रोंग का जो है साइन यहाँ पर लगाना है। उसी तरह से आप किसी एक में एलिजिबल होंगे, बाकी में आप एलिजिबल नहीं है, तो जिसमें एलिजिबल है उसमें हाँ लिखे, बाकी को आप जो है वो क्रॉस यहाँ पर कर दें। उसके अलावा हम बात करेंगे देखिए सेवारत कर्मचारी जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उनको यहाँ पर भरना है, उनका विभाग जो है यहाँ पर भरना है और उसके आगे जो है टिक करना है। जैसे कोई राज्य सेवा कर्मचारी है, कोई पंचायती राज विभाग में है। अब देखिए आवेदक का पूरा नाम आपको यहाँ पर जो है वो हिंदी में भरना है, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में पूरा नाम भरना है, कैपिटल लेटर में भरे आपको सुविधा रहेगी। उसके अलावा पिता का नाम जो है वो यहाँ पर भरना है हिंदी में और माता का नाम भी आपको हिंदी में भरना है। आवेदक की जन्मतिथि ये आप भर ही लेंगे। अब देखिए विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, अब विज्ञप्ति में जो तिथि निर्धारित करेगी जैसे 1/1/2024 और भी आप देख लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उस विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि के अनुसार आप गूगल पर कोई भी एज कैलकुलेटर सर्च करके यहाँ पर जो है पूर्ति आप कर लें। उसके अलावा नागरिकता जो है वो आपकी भारतीय रहेगी, धर्म में आप हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, जैन हो, सिख हो, धर्म है वो यहाँ पर आपको एंट्री कर लेना है, XYZ आपका जो भी धर्म यहाँ पर है। अब वैवाहिक स्थिति में अविवाहित है तो अविवाहित में टिक कर दें और विवाहित है तो विवाहित में टिक कर दें। उसके अलावा विवाह अगर आपका हुआ है तो विवाह का विवरण आपको यहाँ पर देना है। विवरण में आपको क्या क्या लिखना है देखिए, यहाँ पर अगर मेल है तो पत्नी का नाम लिखना है और अगर फीमेल है तो आपके पति का नाम लिखना है। विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, पंजीयन संख्या वगैरह आपको जो भी आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पर एंट्री करनी। संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में आपकी अगर संतान है तो वो संतान की विवरण जो है जन्म दिनांक सहित यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर अधिकतम जो है वो 6 भर सकते हैं, लेकिन आपके जो है सरकारी सेवा के नियमानुसार आपके अधिकतम जो है वो 2 के हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपको कोई भी संतान अभी तक नहीं है तो आपको कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करनी। अब 2002 से पूर्व अगर कोई है तो उसकी संख्या यहाँ, और 2002 के पश्चात है तो उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। उसके अलावा देखिए हम बात करते हैं पत्र व्यवहार का पता, यहाँ पर आपका गाँव, पोस्ट, तहसील, जिला और पिन कोड, ये आवश्यक एंट्री आप जरूर कर लें। अगर आपका स्थायी निवास भी सेम है तो आप यहाँ पर सेम लिखकर जो है वो आगे बढ़े। अब मेन जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और जिस तरह से वीडियो में बताया गया उसी तरह से आपको भरना है। सबसे पहले हम बात करेंगे
यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, मेट्रिक है, हाई स्कूल है या सेकेंडरी। तो सबसे पहले आप सबको बताया कि 10वीं की डिटेल यहाँ पर भरेंगे सेकेंडरी, उसके बाद हायर सेकेंडरी 12वीं की, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर बनने। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर कोई BHTC धारी है और अगर उसने BHTC कर रखी है या DL कर रखी है और उसने आवेदन पढ़ते समय अगर ग्रेजुएशन की डिटेल नहीं भरी, भले ही उसकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो, लेकिन अगर वहाँ नहीं भरी है तो आपको यहाँ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जितना आपने भरा है उतना ही आप यहाँ पर दर्शाएं, आपके लिए सुविधा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्राप्तांक और कुल अंक। तो देखिए 497 जो अंक मेरे हैं और उसके बाद पूर्ण अंक जो है वो मैंने भरे हैं 600। ये जो प्रतिशत निकल के आ रहा है वो यहाँ पर लिखा है, ये आपकी जो भी ग्रेड बन रही है या श्रेणी बन रही है वो, और आपकी 10वीं किस वर्ष में हुई ये यहाँ पर एंट्री करनी है। और 10वीं के लिए ऐच्छिक विषय में देखिए आप सामान्य जो है यहाँ पर पढ़ दें। अब कोर्स की अवधि जो है वो 10वीं की 1 साल रहती है और रोल नंबर आपका भरना है और कौन से बोर्ड ने आपका जो करवाया है एग्जाम, तो देखिए RBSC अजमेरी है ज़्यादातर, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी है। अब देखिए रोल नंबर क्रमांक, रोल नंबर क्रमांक का मतलब आपको यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि लग रही है मुझे, यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भरने, आपकी मार्कशीट के, आपकी जो मार्कशीट होगी उसके लगभग इस साइड जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है ऊपर की तरफ कॉर्नर में आपके सीरियल नंबर लिखे होंगे, वो सीरियल नंबर आपको भरने। हुबहू एंट्री आपको 12वीं की करनी है, जिस तरह से 10वीं की एंट्री करते हैं उसी तरह से आपको 12वीं की एंट्री भी यहाँ पर करनी। उसके बाद ग्रेजुएशन की एंट्री और आगे की एंट्री भी आप करें, लेकिन ग्रेजुएशन की यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएगी और यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो चेंज यहाँ पर क्या है वो हो जाएगी। अब MA कर रखी है और MA की डिटेल आपने दी है, तो देखिए BEd वालों के लिए तो स्नातक की एंट्री जो है यहाँ पर जरूरी है, और अगर उसने आवेदन करते समय MA का कोई विवरण दिया है या स्नातकोत्तर का विवरण दिया है तो उसको यहाँ पर जो डिटेल भरनी पड़ेगी और यहाँ पर वो होगी उसके 2 वर्ष की। अब देखिए यहाँ पर अन्य कोई उपाधि और डिप्लोमा, अब आपके देखिए BEd का कोई स्पष्ट कॉलम यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अन्य कोई उपाधि में आपको करना है, लिखना है अपने हैंड रिटन से यहाँ पर करना है कि BEd, और BEd करने के बाद आपको उसका नाम भी यहाँ पर लिख देना है कि आपने क्या कर रखी है BEd, और आपके BEd में दोनों वर्ष में कितने अंक आए वो लिखने हैं, प्रतिशत ग्रेड वगैरह वो सब आगे की जानकारी आपको भरनी है। अगर आपकी BEd 1 साल की हुई है तो 1 साल, और अगर आपकी BEd 2 साल की हुई है तो आपको 2 वर्ष यहाँ पर भरने हैं। डिप्लोमा की मैं बात करूँ तो डिप्लोमा जो है वो 2 वर्ष का है और NIOS DL वाला जो डिप्लोमा है वो 6 माह का है, तो यहाँ पर जो भी आपकी है वो आपको डिटेल यहाँ पर भरनी है। और बोर्ड या विश्वविद्यालय MLSU MDSU उसके अलावा राजस्थान विद्यापीठ जो भी आपकी BEd कर रही है वो यहाँ पर आपको एंट्री करनी। देखिए इंटर्नशिप यदि लागू हो, यहाँ पर इंटर्नशिप के बारे में आपको कोई विवरण नहीं भरना है, ये आपके इस जॉब के लिए कोई लागू नहीं होगी, ये आपने कोर्स के समय की है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई डिटेल आपको नहीं भरनी है, आप यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन विवरण, ये मेडिकल पैरामेडिकल काउंसलिंग या राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के लिए अपने का यहाँ पर कोई यहाँ डिटेल जो है अपने को नहीं भरनी है। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हो यदि लागू हो तो। उसके अलावा देखिए पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, तो अनुभव प्रमाण पत्र का आपको कोई विभाग वगैरह की यहाँ पर कोई अनुभव यहाँ पर नहीं मांगा गया है। विस्तृत सूचना, अतिरिक्त विस्तृत सूचना, अब देखिए अगर आपने कोई जॉब जो है वो छोड़कर यहाँ आए तो यहाँ पर आपको जॉब का विवरण भरना है, अन्यथा आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। और आगे की जानकारी में आप पढ़ते जाइएगा और आपको जो लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपकी डिटेल भरते हैं, अन्यथा सामान्यतः यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब देखिए बोर्ड द्वारा अगर आपको डिबार किया गया है, दंडित या ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, तो आपको यहाँ पर विवरण देना है, और वैसे किसी का ऐसा मामला नहीं है तो यहाँ पर सामान्यतः आपको क्या करना है, नील करना है। अब आवेदक द्वारा शपथयुक्त जो है घोषणा, इसमें आपको स्थान डालना है और दिनांक डालनी है। अब दिनांक के लिए आप जो डेट है वो आप छोड़ सकते हैं, माह और ईयर जो है आप भर सकते हैं, उसके अलावा स्थान भी आप एक बार छोड़ दें। ज़्यादातर अभ्यर्थी जो वहाँ पर पेश करते समय जो एंट्री करेंगे वही आप एंट्री कर लें, आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। अब यहाँ पर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर आपको करने हैं, खुद के साइन करने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्वघोषणा है। अब देखिए आगे की सूची जो है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि कहीं कहीं आपकी हेल्प हो रही है तो आप वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाने का हम प्रयास करते रहें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्व हस्ताक्षरित जो है वो आपकी होनी चाहिए क्या, फोटो प्रति, इन सब का आपको सेट जमाना है, और ये संलग्नक सूची है प्रपत्र 2, ये आपको एक पूरा सेट जो है वो उसी क्रम में जमाना है। और क्रम यहाँ पर देखो क्रम संख्या लिखी हुई है, और मैं आपको यहाँ पर संलग्नक संख्या बताऊँ। अब देखिए संलग्नक संख्या और क्रम संख्या में क्या अंतर, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी की अंक पत्र यानी आपकी अंक तालिका और उपाधि या प्रमाण पत्र। तो देखिए 10वीं का प्रमाण पत्र 2011 के बाद, वर्ष 2011 के बाद एक ही प्रमाण पत्र जारी होता है, जिसमें आगे जो है वो रिजल्ट रहता है, आगे की तरफ आपका रिजल्ट रहता है और पीछे की तरफ जो है वो आपका प्रमाण पत्र रहता है, ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन 2011 से पहले का कोई अभ्यर्थी है तो उसके जो है यहाँ पर मार्कशीट की साइज तो ये रहती थी, मतलब यूँ कह सकते हैं कि हाफ ए4 साइज, और पूरी ए4 साइज की जो साइज रहती थी वो रहती थी आपके प्रमाण पत्र की। तो आपके घर पर होगा, आप देख लें, कई अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर लें और उसके बाद जो है आप यहाँ पर डिटेल भर लें। अब यहाँ पर जारी करने की क्रमांक व दिनांक, तो देखिए जारी क्रमांक उसमें सीरियल नंबर भी लिखा हुआ होगा और उसके अलावा उसकी दिनांक भी लिखी हुई होगी किस तारीख को वो जारी किया गया,
अब जीना व्यर्थ हो के एक ही है, मार्कशीट भी वही है और प्रमाण पत्र भी वही है, तो उनको यहाँ पर संलग्न संख्या में करना है, एक लिख देना, और यहाँ पर आपको सेम लिखना है, या तो या डू लिख देना या छोड़ के आप ऐसा साइन जो यहाँ पर बना लें। अब देखिए बारहवीं की बात करें, अगर किसी के देखिए दसवीं की दो अलग अलग हैं तो यहाँ पर आपको इसमें भी एक लिखना है और इसमें भी जो है आपको एक लिखना है, लेकिन अगर दोनों सेम है तो आपको केवल एक जगह एक लिखना है, दूसरे में आपको छोड़ना है। अब बारहवीं की भी सेम कंडीशन रहेगी, वहाँ पर आपको ये क्रमांक लिखकर नीचे जो है आपकी डेट लिखनी है जारी होने की। उसके अलावा अंक पत्र देखिए, आप बीए की हैं आपने, तो बीए की अंक पत्र यानी आपकी मार्कशीट, तो देखिए तीन मार्कशीट होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इसलिए यहाँ पर आपको तीन जो करनी है, और यहाँ पर जो आप क्रमांक डालेंगे वो आप थर्ड ईयर की डाल दें, थर्ड ईयर की जारी दिनांक और क्रमांक आप यहाँ पर डाल दें। उसके अलावा आपकी जो डिग्री रहेगी उपाधि, यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र जो है वो नहीं मिलने वाला, यहाँ पर मिलेगा आपको उपाधि। तो बीए की आपकी जो डिग्री है उसमें आप एक डिग्री होगी, ओनली डिग्री ओनली एक होगी तीन वर्ष की, तो आप ये एक लिखे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है उसके जारी होने के क्रमांक और जारी होने की दिनांक यहाँ पर लिख दें। उसके अलावा अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो एमए का भी इसी तरह से आप विवरण पढ़ दें। एमए की देखिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की जो है मार्कशीट हो जाएगी दो, तो यहाँ पर आपके संलग्न संख्या होगी दो, और डिग्री वहाँ पर भी एक होगी, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी ओनली एक। अब देखिए अंक पत्र डिप्लोमा, अब डिप्लोमा का मतलब है जिसने डीएलएड कर रखी है, जिसने डीएलएड कर रखी है, जिसने बीएसटीसी कर रखी है, या यूं कहे जिसने एनआईओएस डीएलएड का जो डिप्लोमा कर रखा है सिक्स मंथ वाला, उनको जो है यहाँ पर बनना है। अगर आपने बीएसटीसी करी है तो आपकी दो ईयर की मार्कशीट होगी, अगर आपने एनआईओएस डीएलएड कर रखा है तो आपकी एक मार्कशीट होगी, तो यहाँ पर एक लिखना है। अब देखिए आपकी डिग्री जो होगी, डिग्री या यूं कहें डिप्लोमा, तो आपका जो डिप्लोमा होगा वो एक ही होगा ओनली, तो यहाँ पर आपको जीरो वन लिखना है, और यहाँ पर सेम जो है आपको जो भी उसके जारी होने की दिनांक है वो यहाँ पर भरनी है। अनुभव प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये कॉलम है आपका खाली रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मूल निवास का दे रखा है और जाति प्रमाण पत्र का दे रखा है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी दे रखा है। अब देखिए मूल निवास ओनली एक पेज का होता है, ईडब्ल्यूएस भी जो है वो एक पेज का होता है, अन्य जाति प्रमाण पत्र भी जितने भी है वो सब एक एक पेज के होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लिखना है आपको एक एक, और यहाँ पर उसके जारी होने के क्रमांक, टोकन संख्या या क्रमांक जो भी है वो आपको लिखने हैं, और नीचे जो है आपके डेट लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं बीएड की, अन्य प्रमाण पत्र में आपको बीएड का अलग से ऑप्शन लिखना होगा, हैंड रिटन लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर कहीं ऑप्शन नहीं है। अब आपको यहाँ पर लिखना है बीएड अंक पत्र, और बीएड अगर आपके दो साल की है तो आपकी दो मार्कशीट हो जाएगी, अगर एक साल की है तो यहाँ पर आप एक पढ़ दें। अब देखिए बीएड की उपाधि यानी डिग्री, डिग्री आपको एक ही मिलेगी ओनली, तो एक यहाँ पर पढ़ दें। विवाह पंजीयन अगर आपके हैं तो एक पढ़ दें। उसके अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट जो आवश्यक आपको लगता है तो यहाँ पर आप जो है अन्य विवरण में आप लिखकर यहाँ पर एंट्री कर दें। अब देखिए नीचे जो है वो कार्यालय टिप्पणी है, तो यहाँ पर आपको जो है कुछ एंट्री आपको नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र किसको बनना है, आवेदन के समय तक जिनकी कंप्लीट नहीं हुई थी शैक्षणिक योग्यता, उनके लिए ये बनना है और प्रमाणित करवाना है। तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके शैक्षणिक योग्यता है रनिंग थी, अगर कोई रनिंग है तो उसको यहाँ पर बनवाना है, और वैसे भी वहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी सभी शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए, तो इस स्थिति में इसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह जाता, यह आपको खाली छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट। अब ये किसको चेक करनी है, ये आपको देखिए यहाँ पर एक बार आपको चेक कर लीजिए सेल्फ, और यहाँ पर जो है वो राइट का निशान आप लगा दें। देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करें, और ये कार्यालय की है तो छोड़ दिया जाएगा, इसमें आपको कोई डिटेल जो है नहीं भरनी है। आपको यहाँ इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में आपको टिक करना है कि आप स्वरता अनुरूप हैं या नहीं है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर पढ़ते जाएंगे आगे, जैसे मैं आपको एक पढ़ के बता दूं कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है, तो सर्वथा अनुरूप है तो आप यहाँ पर राइट कर दें, और अनुरूप नहीं है तो आप यहाँ पर राइट कर दें, लेकिन आपका अनुरूप है तो यहाँ पर आप राइट कर देंगे। इस प्रकार से इस चेकलिस्ट में जो भी शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, अगर आप उसके लिए योग्य हैं और आपने सही तरीके से भरा है तो आपको वहाँ वहाँ टिक कर देना है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की कंडीशन जो है वो अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको पढ़ के जो है यहाँ पर राइट करना है। अब देखिए श्रेणी या वर्ग के बारे में हम बात करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है। देखिए अभ्यर्थी ने जो आवेदन करते समय और एडमिट कार्ड जो था उसमें जो है दो कैटेगरी उसकी वर्ग थी, उसी कैटेगरी में योग्य है या भिन्न श्रेणी में, यहाँ पर टिक करना है। तो आप उसी श्रेणी में, अगर किसी कारणवश आपके दस्तावेज जो है जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका नहीं है, तो उस स्थिति में आपको जो है वो जनरल में काउंट किया जाएगा, इसलिए उस स्थिति में आपको यहाँ पर राइट करना है। तो लेकिन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये सारी जो है वो आप एक एक करके पढ़ के यहाँ पर आपको राइट लगाना, हाँ नहीं का जो है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अब अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में भी ऐसा ही है। अब हम आगे बढ़ेंगे आयु के, देखिए आयु का क्या होगा यहाँ पर, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है। विज्ञप्ति में एक निर्धारित तिथि दे रखी है, मेरे अकॉर्डिंग शायद मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन 1/1/2024 होगी, आप वहाँ पर और पढ़ लें, और आपकी जन्म तिथि से इस तिथि तक आपकी कितनी उम्र हो रही है वो यहाँ पर आप जो है वो एंट्री कर लें। अब देखिए विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, अब यहाँ पर अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु कितनी है वो आपको विज्ञप्ति में लिखी हुई होगी, जैसे न्यूनतम 18 है और अधिकतम 40 है या 45 है, जो भी है आप यहाँ पर एंट्री विज्ञप्ति को देखकर कर ले, आपको विज्ञप्ति का देखकर ही करना है ताकि आपको जो है वो कुछ गलत नहीं हो। अब यहाँ पर तीसरा कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या भरना है वो आप
नीचे यहाँ पढ़ के फिर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, ये देखिए अनुसूचित जाति, अगर आप अनुसूचित जाति से पुरुष हैं तो आप अभ्यर्थी टिक करें तो देखिए इसमें आप टिक करेंगे, और ये देखिए ये क्रम संख्या कितनी है एक, तो आपको यहाँ पर क्रम संख्या कितनी भरनी है एक। लेकिन अगर आप जैसे कि कोई अनुसूचित जाति का है लेकिन वो महिला है तो वहाँ पर टिक करेगी ये सेकंड नंबर में, और ये सेकंड नंबर जो है वो आपका क्रम संख्या हो जाएगी यहाँ पर 02। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सभी में आप केवल किसी एक के लिए योग्य होंगे और वही आपको जो है यहाँ पर ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पर नीचे जो है आवेदक के हस्ताक्षर आपको करने हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये कार्यालय के उपयोग हेतु हैं, तो यहाँ पर आपको कोई जो है वो फिर भी आपको चेक जरूर करना है। टिप्पणी आपको कुछ नहीं करनी है यहाँ पर, नहीं आपको कुछ हाँ नहीं वगैरह कुछ भी नहीं करना है। क्या आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है, तो आपको चेक करना है और आपके अंतर मन में आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हाँ ये मैंने सही कर रखा है। उसके अलावा दूसरा देखिए, हस्ताक्षरित दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपके हुए या नहीं। देखिए दो स्थान कौन से, एक तो पहले फोटो चिपका दिया है, एक आगे जो फोटो चिपकेगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से और कहाँ फोटो आपको चिपकाना है आगे की तरफ। ये एक एक करके आपको पढ़ना है, और अगर आपने योग्यता पूरी कर ली है तो आप हाँ, और अगर नहीं की है उसमें जो लिखा हुआ है उसमें नहीं किया है तो आप पीछे जाके आप कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके द्वारा कोई फिल नहीं करना है इसमें, ये टोटल जो है अधिकारी द्वारा जो है वो फिल कर दिया जाएगा। अब लास्ट जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, अटेस्टेशन जो फॉर्म आपका है, अटेस्टेशन जो फॉर्म है उसमें आपको देखिए कलर फोटो जो एक तो आपने पहले ही फ्रंट पेज पे लगा दिया, उसके बाद ये जो है आपको यहाँ पर आपका फोटो लगाना विद सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर इस तरह से करना जैसे आप पैन कार्ड में करते हैं ना, कि फोटो जैसे आपका ये है, आधे साइन आपके यहाँ है और आधे उसके ऊपर है, इस तरह से आपको क्रॉस साइन करने हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, पूरा इंग्लिश में पढ़नी है, डिटेल आगेगी। जैसे आपका जो भी नेम है, मेरा नाम लोकेश है तो मैंने पढ़ दिया है, सरनेम मेरा जैसे व्यास है तो मैं यहाँ पर व्यास जो है वो पढ़ दूंगा, रोल नंबर मेरा जो भी है, मेरिट क्रमांक आपको भी छोड़ना है क्योंकि आपकी मेरिट क्रमांक जो है वो बाद में जारी होगी तो वो आपको बाद में यहाँ पर भरना है। आपका एड्रेस हाउस नंबर पढ़ दें, अगर हाउस नंबर आपके नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ के विलेज का नाम भी पढ़ दें और डिस्ट्रिक्ट आपकी पढ़ दें, पिन कोड आप जो है पढ़ दें। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस यानी आप वर्तमान निवास स्थान आपका, और ये होम एड्रेस आपके गृह निवास का पता है वो आप यहाँ पर पढ़ दें। देखिए पिछले 5 वर्षों में आप 1 वर्ष से या उससे अधिक जो है अगर कहीं रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कोई कोचिंग के लिए कहीं बाहर गया है और या किसी कोर्स के लिए कहीं बाहर गया है और वहाँ पर रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर जो है वो भरनी है। अब ये आपके फादर की डिटेल है, नॉर्मल डिटेल है आपको भरनी है, नेशनलिटी आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी सबकी नेशनलिटी इंडियन ही होगी लगभग सभी की, तो वो आपको यहाँ पर टिक करना है। अब देखिए प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आपके अगर किसी के हस्बैंड है किसी की वाइफ है तो उसका जो है यहाँ पर बर्थ जो है प्लेस है वो आपको भरना है विद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आपकी वो यहाँ पर भरनी है। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ एज ऑफ मेट्रिकुलेशन का मतलब यहाँ पर तो है देखिए एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर आपके प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स यानी विज्ञप्ति की सीमा जो है आयु सीमा उसके अनुसार आपकी कितनी उम्र हो रही है ये वो यहाँ पर भरनी है, और आपके 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी कितनी आयु हो रही है वर्तमान दिनांक तक वो आपको यहाँ पर भरनी है। आगे देखिए आपका नॉर्मल आपका एड्रेस है वही वापस आपको यहाँ पर भरना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, मतलब 15 ईयर जो है आपके पिछले 15 वर्षों में आपने कहाँ से 10वीं की है, कहाँ से 12वीं की है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, उस स्थान का पता भरना है, आपका पता नहीं भरना है, ये यहाँ पर मेन बात आपको ध्यान रखनी है। एड्रेस यहाँ पर जैसे कि मैंने मेरे ही गांव के एक विद्यालय से जो है यहाँ पर 10वीं की है तो मैंने गांव का जो एड्रेस है यहाँ पर भर दूंगा, ये जो भी मेरा गांव है वो यहाँ पर भरूंगा, उसके अलावा देखिए डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड मैं यहाँ पर भर दूंगा। अब उस कोर्स में जैसे कि मैंने 10वीं जो है 2014 में मेरी पूरी हुई थी तो 2 जुलाई में होता है सामान्यतः आपका एडमिशन, तो आपको यहाँ पर जुलाई लिखना है, और आपका जून में जो है आपका मार्कशीट आ जाती है तो जून में आपका जो है यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग यहाँ पर लिख देनी है। तो आप जो है यहाँ पर नॉर्मल, आपको इतना याद नहीं रहेगा पिछले 15 वर्ष का, तो आप नॉर्मली यहाँ पर जो है आप मार्कशीट को देखकर या आपके अनुमान से भी यहाँ पर भर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। जैसे आपने पिछले 15 वर्ष में देखिए मैंने 10वीं भी पास की है, 12वीं भी पास की, उसके अलावा जैसे मैंने बीए भी की है, ग्रेजुएशन अगर एमए तो मैंने नहीं किया लेकिन किसी ने अगर एमए की है तो एमए की डिटेल भी यहाँ पर भरनी है, उसके अलावा डिप्लोमा या डिग्री की है तो उसका, और जहाँ से किया है जैसे देखिए मैंने 12वीं जो है नादौरा से की थी क्योंकि साइंस की जो स्ट्रीम थी वो हमारे गांव में नहीं थी, इस वजह से मैं नादौरा जाना पड़ा था और वहाँ से जो मैंने की है तो मैंने डिटेल वहाँ की पढ़ी है, और उसके अलावा देखिए जैसे बीए जो है मैंने कोटा ओपन से किया दूरस्थ माध्यम घर बैठे की है तो उसका एड्रेस भी जो है मैं यहाँ पर पढ़ दूंगा। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने बीएससी या बीएड की डिग्री की है तो वो कहाँ से की वो भी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे मैंने बीएड जो है वो मंगलवाड़ कॉलेज से की थी चित्तौड़गढ़, तो उसकी डिटेल मैं यहाँ पर उसका एड्रेस जो है मैं यहाँ पर भरूंगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं डेस्टिनेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड और डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। आपने देखिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी है एम्प्लॉयड है, अगर आप पहले कर्मचारी रहे हुए तो उसका विवरण यहाँ पर भरना है, बाकी आपको जो है यहाँ पर नील कर देना। नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी
और टू रेफरेंस टू होम और यू आर नाउ, दो ऐसे व्यक्ति जो आपके टाउन में रहते हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और जो आपको अच्छे से जानते हैं और आप भी उनको अच्छे से जानते हैं। जैसे कोई आपका पड़ोसी हो सकता है एक तो, और दूसरा जो आपके वार्ड का कोई भी मेंबर हो सकता है वो आपको जानता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको उसका कैपिटल नेम जो है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके अलावा आपकी आप जो डेट यहाँ पर भर रहे हैं वो डेट और आपका पहले से यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर जो है वो कर देने हैं। अब आगे लास्ट जो है आपका सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाई ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबल और अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड बाई द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह जो करेंगे इनके बारे में बताया गया, सील और साइन जो है वो यहाँ पर आपको करवाने हैं। देखिए यहाँ पर आपका नाम भरना है, कैपिटल अक्षर में आपका नाम भरना है, आपके पिताजी का नाम भरना है और आप कितने साल से जो है वो ये व्यक्ति जो है वो आपको कितने वर्षों से जानते हैं, तो आपको लगभग आपकी एज है वही भर देनी है यहाँ पर कि वो जन्म से आपको जानते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपकी पेरेंट्स भर देंगे और डेट आपकी भर देंगे। इस प्रकार साथियों देखिए ये पूरा कंप्लीट फॉर्म मैंने आपको भर के बताया है। अब इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप क्या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये डाउट जो है वो इस जगह पर क्या भरना है, वो कॉलम संख्या सहित आप लिखकर यहाँ पर